ईश्वर और मैं एक ही हैं। अंदर बसा लिया उसे यार, दिल में है वो, अलग है ही नहीं कि उसको पकड़ने के लिए अपमान हो जाएगा उनका नाम लेते समय, है ना। इस वजह से वो ये जरूर कह देंगे, चलो अगर उनका नाम ले रहे हो दिल पे हाथ रख लो ना, कान पे क्यों रख रहे हो, दिल पे हाथ रखो कि इतना सम्मान है कि हम, प्रेम है भय नहीं है, इज्जत भय से भी ऊपर है प्रेम। इज्जत करना किसी की और किसी से प्रेम करना, निस्वार्थ प्रेम करना कि मेरा गुरु मेरा सब कुछ है, मेरा ईश्वर मेरा सब कुछ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोए, मीरा ने लिखा है। तो इस भाव से मेरे गुरुजी मेरे पिताजी का यही बेंड है, ये पर्सपेक्टिव है कि वो इस तरह से जब अपने गुरु को मानते हैं, यहां मानते हैं, तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं उनका नाम लेकर, क्योंकि हम उनका नाम अनादर से ले ही नहीं सकते। आपको भुला दे मुझे को मेरा सही हम क्या करते हैं, ख्याल बंदिशें याद करते हैं, याद ही तो करते हैं कि ये गुरु की मेरी फलां गुरु का बनाया हुआ ख्याल। आज तक बड़े बड़े कलाकार ऑन स्टेज यही करते हैं, कान पकड़ के कि मेरे गुरुजी का बनाया हुआ एक ख्याल आपको सुना रहा हूं, या मेरे गुरुजी की बनाई हुई एक बंदिश। मैं आपको एक मिनट, कान पकड़ने का लॉजिक, जी देखिए पहली बात तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरी ये मान्यता नहीं है कि कान पकड़े जाएं, लेकिन जो पकड़ते हैं उनका लॉजिक। चलिए आपने ये अच्छी एक सवाल कर लिया है, इस टॉपिक पर मैंने कभी कोई वीडियो बनाया नहीं, ये सेशन में भी रिकॉर्ड हो जाएगा, अच्छा हुआ आपने ये सवाल अच्छा किया। हाल ही में क्या हुआ, देखिए लॉजिक समझाना आना चाहिए, लॉजिक तो होता है पर समझाना आना चाहिए, है ना। अब ये चीज़ हमें हमारे पिताजी ने सिखाई है, समझाई है, कान उसके पकड़े जाते हैं, उसका नाम लेते समय पकड़े जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक परंपरा है, थी मतलब पहले, अब तो ठीक है थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया और हम समझ गए कि ठीक है ये कोई इतना पेट्रियार्की ही सब कुछ नहीं है भाई, हर ह्यूमन की इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो फेमिनिज्म आया, इक्वालिटी आई, लोगों की जागरूकता आई, वरना पहले ऐसा होता था और शायद आज भी कई घरों में होता है, पत्नियाँ पतियों के नाम नहीं लिया करती हैं, ए जी ओ जी सुनो जी ऐसे ही बोला करती हैं, है ना, ऐसे संबोधित करती हैं, नाम नहीं लेती हैं। यार मेरे को एक शेर ध्यान आ गया, मैं शेर सुनाऊंगा पहले। आई हाय जॉन एलिया, जॉन एलिया तो जान है हमारी, बहुत उम्दा शायर हैं यार ये, इनको पढ़िए आप, इनको सुनिए। कुछ यूं है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, चार चीज़ें हैं, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, नाज कहते हैं ग्रेस को, गर्व सौंदर्य हाव भाव अभिमान से, है ना। तो शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये जॉन एलिया का शेर है, है ना। तो ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती भाई, ये सब इससे क्यों संबोधन कर रही हो, ये मेरा उनवा थोड़ी है, मैं माँ बाप ने नाम रखा भाई, नाम लो मेरा सीधा सीधा, है ना। तो वो चीज़ खैर हमारा जो कल्चर कहता है, तो उसी में यही कल्चर जो है शास्त्रीय संगीत में भी है कि अपने से बड़े अपने से ज़्यादा गुणी या अपने गुरुओं का नाम लेना हमारे लिए पाप माना जाता है। ये एक फिलॉसफी है लोगों की। एक दो आपको मैं इसकी पर्सपेक्टिव्स बताऊंगा, एक वो जो ऐसा समझते हैं कि यार गुरु का नाम लेना मतलब आदर है, ये वो बहुत ज़्यादा बड़ा आदर है और हम लायक नहीं हैं इसके कि हम उनका नाम ले सकें, ऐसा हो जाता है, है ना। इतनी इज्जत हम करते हैं, ये भी संस्कृति का भाग है, ऐसा नहीं कि अगर लोग कान पकड़ते हैं तो मैं उसे तुरंत नकार दूं कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत नकारना कोई भी चीज़ के लिए ठीक नहीं होता भाई, वो अगर ट्रेडिशन चलता आ रहा है तो कुछ तो उसकी भी मान्यता रही होगी। आप आ जाते हो और कहते तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि मुंह उठा के चले आ और मना कर दिया तुरंत, नहीं भाई वो परंपरा चलती आ रही है तो उसकी कोई वजह रही होगी, उस वजह को समझो और अगर उसका काउंटर आप दे सकते हो और लॉजिकल हो तो ही उसे नकारो, ऐसे नहीं कि तुरंत नकार दिया नहीं। तो अगर मेरे पिताजी ने उसको नकारा है कि नहीं हम कान नहीं पकड़ेंगे तो उसका लॉजिक दिया है, तो पहले तो मैं इस लॉजिक को समझाऊं कि लोग पकड़ते क्यों हैं। तो इतनी इज्जत हम देते हैं कि हमारे लिए ये एक तरह से अपमान हो जाता है कि हमारे गुरु का नाम हमने ले दिया अपनी ज़बान से, हम इस लायक नहीं हैं कि उनका नाम ले सकें, फिर भी माफ़ी मांगते हैं कान पकड़ के कि हम उनका नाम ले रहे हैं, इसीलिए उनका नाम लेते समय कान पकड़ा जाता है, कान पे हाथ रखा जाता है तुरंत, ये मान्यता है।
अच्छा मैं बता दूं कि आधे ऊपर लोग जो कान पकड़ते हैं उनको पता भी नहीं है कि इस वजह से कान पकड़ा जाता है, ये भी है, बस यही है, परिपाटी चलती आ रही है, ये करना है बस, ये स्टाइल बन गया है, फैशन स्टेटमेंट बन गया कि नाम लेते हैं यूं करेंगे भाई, तुरंत यूं करेंगे, किसी के भी नाम पे आप यूं, अरे सोनू निगम साहब ये कर देंगे, सोनू निगम से तुम्हारा क्या लेना देना, पर यूं करेंगे, है ना, तुरंत, क्योंकि लोगों को देखा कि ऐसा किया जाता है। इसी प्रकार से चरण स्पर्श हमारी परंपरा है, पांव छुए जाते हैं, वजह किसी को नहीं पता क्यों छूते हैं, सब बस फॉलो कर रहे हैं कि बस ये करा जाता है, ये एक चीज़ है, अच्छा लगता है संस्कृति में, है ना। कई बार तो लोग फैशन स्टेटमेंट है भैया ऐसे करते हैं, तो क्योंकि भाई ट्रेडिशन को फैशन स्टेटमेंट ही तो माना जा रहा है आज की तारीख में, है ना, जो भी ट्रेडिशंस हैं उनके असल मतलब किसी को मालूम ही नहीं है, आधे ऊपर लोग सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा कूल लगता है। तो भैया कूल लगने के लिए पांव नहीं छुए जाते हैं, कूल लगने के लिए कान नहीं पकड़े जाते हैं, उसका वजह होती है चरण स्पर्श की वजह। एक दिन पिताजी, उसमें वीडियो है उसका, वो तो हम एक ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहे थे, तो मेरे एक स्टूडेंट ने वीडियो बना लिया चुपके से कोने में, वरना हम तो ऐसी बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा वो उग्र होकर समझा रहे थे, तो वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब पर भी है, कि लोग भी कह रहे अरे गुरुजी गुस्सा क्यों कर रहे हो आप, तो एक्चुअली में वीडियो में नहीं आना नहीं था वो सेशन, तो चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था, तो उसमें वो बता रहे थे कि यार ट्रेडिशन लोग ऐसे फॉलो करते हैं, अक्ल नहीं है, समझ नहीं है लोगों को, और उसको बिगाड़ते हैं। चरण स्पर्श का मतलब होता है जब ये नाखून, हमारे नाखून गुरु के चरण के नाखून से जब छुआते हैं, तब वहाँ ग्रेविटी होती है नाखूनों में, या मिट्टी होती है, इन नाखूनों में मिट्टी क्यों होती है, और मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है, जिसका मतलब खींचना, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, ये होता है ग्रेविटी का मतलब, है ना, और यही ज्ञान का खींचना। इसीलिए बहुत जो इस चीज़ को समझते हैं ना, वो अपने पाँव नहीं छूने देते हैं। कई बड़े लोग आपने देखा होगा जो अरे नहीं नहीं पाँव मत छू, कई साधु हैं, कई संत हैं, कई विद्वान हैं जो अपने पाँव नहीं छूने देते हर किसी को, क्योंकि वो ये चीज़ समझते हैं कि ये मेरे पाँव छूने आया है, यहाँ से ज्ञान ट्रांसफ़र होता है, ये असल मतलब है। इतने डिटेल में कोई जाता ही नहीं, लेकिन इसी श्रद्धा से अगर आपने छुए हैं पाँव, तो ही वो असर होता है। ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर अ फैशन स्टेटमेंट या ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए, परिपाटी के हिसाब से आपने चरण स्पर्श करता कहाँ है आजकल कोई, ये दूर से कर लेते हैं, वो नीचे झुका भी नहीं जा रहा है, झुकना दूर की बात, जबकि पहले तो दंडवत प्रणाम हुआ करता था, साष्टांग प्रणाम, छह अंग बॉडी के जब तक जमीन पर नट टिक गए और तब जाके झुक के, उसे कहते हैं साष्टांग, छह अंग आपके जमीन पर होने चाहिए, उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम, है ना, और ये नाखून से नाखून मिलने चाहिए, तब जाके असली ये चीज़ आती है, वरना क्या होता है, सिर्फ भाव है भाई, सीधी बात है, आप पूरी परंपरा मत निभाओ, सिर्फ भाव मिला दो तो भी काम हो जाता है कि नहीं, तो उस ही तरह से कान पकड़े जाते हैं, लेकिन ये वजह किसी को नहीं पता है कि कान पकड़ने की या पांव छूने की वजह क्या होती है, सिर्फ परिपाटी है, निभा रहे हैं, चल रही है ना, और कई लोगों के तो भाव भी नहीं होते हैं उसमें, सिर्फ आदत है, वहाँ कान पर हाथ चला जाता है, तुरंत चला जाता है। अब मेरे पिताजी क्या कहते हैं, एक ये आपको मैंने एक ये बेंड बताया जो ये कहता है कि पर्सपेक्टिव ये बताया कि भाई अपमान हो जाता है, हम इस लायक नहीं है, इस वजह से कान पकड़े जाते हैं, ये भी अपनी दृष्टि में सही है ये बात, है ना, लेकिन पिताजी ये कहते हैं कि गुरु से ऐसा रिश्ता है, भगवान से ऐसा रिश्ता है जो अलग नहीं है, ये काम वो करते हैं जो गुरु या भगवान या ईश्वर को इधर मानते हैं और अपने आप को इधर मानते हैं ये, लेकिन हम वो हैं जो इन्हें विलीन मानते हैं, एक मानते हैं, तो इतनी इज्जत हम दे रहे हैं, इज्जत की पराकाष्ठा वो है, इज्जत वो नहीं कि तू और मैं अलग अलग हैं, कि गुरु बहुत ऊंची चीज़ है या हम इधर हैं, अलग अलग नहीं, गुरु हम ही हैं, ये एकता, ये ईश्वर की एकता यही होती है, ईश्वर को अलग नहीं माना जाता है, ईश्वर और मैं एक ही हैं, अंदर बसा लिया उसे यार, दिल में है वो, अलग है ही नहीं कि उसको पकड़ने के लिए अपमान हो जाएगा उनका नाम लेते समय, है ना, इस वजह से वो ये जरूर कह देंगे चलो अगर उनका नाम ले रहे हो दिल पे हाथ रख लो ना, कान पे क्यों रख रहे हो, दिल पे हाथ रखो कि इतना सम्मान है कि हम प्रेम है, भय नहीं है, इज्जत भय से भी ऊपर है, प्रेम, इज्जत करना किसी की और किसी से प्रेम करना, निस्वार्थ प्रेम करना कि मेरा गुरु मेरा सब कुछ है, मेरा ईश्वर मेरा सब कुछ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोए, मीरा ने लिखा है, तो इस भाव से मेरे गुरु जी मेरे पिताजी का यही बेंड है, ये पर्सपेक्टिव है कि वो इस तरह से जब अपने गुरु को मानते हैं, यहां मानते हैं, तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं उनका नाम लेकर, क्योंकि हम उनका नाम अनादर से ले ही नहीं सकते, ये तो उनमें भय होता है कि यार अनादर हो जाएगा नाम लेना जो कान पकड़ देते, हम तो कहते हैं अनादर हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि हम तो उन्हें सब कुछ मानते हैं, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, ये लिखा है कि इस जो संसार के दुख है ये गुरु के अलावा कौन मिटाएगा,
हमें यहाँ से पार कौन लगाएगा? तो इस फिलोसॉफिकल बेंड के मेरे पिताजी हैं, तो उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि इस तरह से मानो गुरु को, गुरु को, यहाँ है गुरु, आप में अंदर बसा हुआ है गुरु, आपका अभ्यास है आपका गुरु। तो आप किसी भी बड़े कलाकार का नाम ले रहे हैं तो इज्जत यहां से दी जाती है, आदतों से नहीं या परिपाटियों से नहीं। कान पकड़ो ना, लेकिन कान पकड़ने का मतलब बताओ मुझे। जो मतलब नहीं बता रहा है तो फिर तो व्यर्थ है। अच्छा, ये तो वही बात होगी कि मुंह में राम बगल में छुरी, कि यहां से तो कान पकड़ रहे हैं पर अंदर से गालियां दे रहे हैं उसको कि यहां तो हो रहे सोनू निगम साहब, और अंदर से यार साला यार इतना ऊपर कैसे है वो, इतना बड़ा कलाकार कैसे यार, मैं क्यों नहीं हूं वहां पे, वो जलन, ये क्या हुआ फिर? ये तो फिर परिपाटी निभा रहे हो खाली, कि वहां से तो पांव छूते हो रोज उसके, और मन में आपकी यूं चलता है, चिढ़न आती है कि यार ये इसके जैसा मैं क्यों नहीं हूं यार, वो जलन आती है, ईर्ष्या आती है। तो वो वाली बात है। इस वजह से मेरे पिताजी ने कहा कि आप जब ईश्वर और गुरु को एक मानते हो, आप और वो अलग है ही नहीं, जब एक ही है, वो प्रेम है, अथाह प्रेम है, तो आप कान पकड़ के अनादर या उसका नाम लेकर अनादर नहीं कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। जब जब उसका नाम आपकी जबान से निकलेगा तो वो ईश्वर की इबादत है, ये समझ लो। इस तरह से ईश्वर का नाम लेते समय भी आप काम थोड़ी पकड़ोगे यार, खुलेआम लेते हो आप, प्रेम से लेते हो, है कि नहीं? नंबर में डिवाइडेड थोड़ी है कि 108 बार ही मेरे को ईश्वर का नाम लेना है, राम 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 108 ही करना भैया, उससे ज्यादा कर दिया तो भगवान परेशान हो जाएंगे मुझसे, है ना? ऐसा तो होने जरा। तो उसी तरह से वो यही मानते हैं, ये उनका फिलोसॉफिकल बेंड है कि वो और मैं एक ही हैं, तो उसका नाम जब मैं ले रहा हूं तो उसकी पूजा हो रही है, और पूजा करते समय अनादर हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? मैं उनका नाम नहीं, उनका जाप कर रहा हूं, और जाप कर रहा हूं मतलब वो श्रद्धा है उसमें, तो इस वजह से वो कान नहीं पकड़वाते। पर ये परिपाटी लोगों की है, वो भी अपनी जगह सही है, मैं किसी को नकार नहीं रहा, क्योंकि भाई पुरानी परंपरा है, सब निभा रहे हैं। लेकिन अगर जो कान भी पकड़ते हैं तो फिर इस पर्सपेक्टिव को जाने कि कान क्यों पकड़ा जाता है, कि अभी हम इस लायक ही नहीं हुए कि कभी उनका नाम ले पाएंगे, तो हमेशा अपने आप को आप नीचे ही रखोगे फिर। ये मान्यता है पिताजी की कि अपने आप को तुम ही अपनी सोच में ऊपर नहीं उठा रहे हो तो ईश्वर काहे को उठाएगा? तुम ही अपने आप को गरीब कि मैं तो यार गरीब, अरे हमको तो क्या आता है। इसीलिए कई कलाकार आपने देखे होंगे स्टेज पे चढ़ते ही, अरे बस जो भी टूटा फूटा आता है हम आपको प्रस्तुत करेंगे, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, कोई गलती हो जाए तो माफ। हमारे पिताजी ने कभी नहीं सिखाया हमें कि स्टेज पे चढ़ के ये बोलना, कभी नहीं बोला, और हमेशा यही बोला कि तुम स्टेज पे चढ़ रहे हो, गर्व से बोलो कि मैं प्रस्तुति करने आया हूं। घमंड नहीं कि जो मैं करूंगा वो सही ही होगा, नहीं वो नहीं, भरोसा यकीन इसे कहते हैं, अपने आप को नीचे, अरे कलाकार हो आप, कहां बैठे हो, लोग सुनने आए हैं आपको, आप स्टेज पे हो, लोग नीचे हैं, ईश्वर के दर्जे पे आपको बिठाया है, कलाकार एक ही है ऊपर वाला, उस दर्जे पे आपको बिठाया, और आप वहां जाके उस पोस्ट की, उस उपाधि का अपमान करते हो ये कहकर कि अरे जो भी टूटा फूटा, अरे भैया कैसे टूटा फूटा, गुरु ने तुम्हें इतनी मेहनत से सिखाया, तुमने इतना रियाज किया, इतनी अच्छी चीजें तुम गाने जा रहे हो, और तुरंत बेइज्जती कि टूटा फूटा, काहे का टूटा फूटा, फिर क्यों सीखा मुझसे, है इतनी मेहनत से मैंने तुझे सिखाया, इतनी मेहनत से तूने उसका रियाज किया, अब तू प्रस्तुत करने जा रहा है और कह रहा है टूटा फूटा, है कि नहीं? तो ये कुछ परंपराएं हैं जो लोग यूं ही बोल देते हैं। अच्छा, आधे लोगों को तो पता भी नहीं है वो क्यों बोल रहे हैं, कि मॉडेस्टी की वजह से बोल रहे हैं या वाक्य रट के आए हैं, वो बोलना है कि भाई गुरुजी ने बोला था स्टेज पे चढ़ो तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसमें अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दे डोंट मीन दैट, जस्ट से दैट, है ना? अंदर से भाव नहीं है वो। मैंने बताया था मे आई कम इन मैडम, जोर से मे आई कम इन मैडम ऐसे बोलते हैं। अरे मे का अर्थ क्या है, क्या पूछ रहे हैं? किसी से तो प्रेम है उसमें, वो भाव है, वो बैंड है उसमें, रिक्वेस्ट का बैंड है, कैन से भी ज्यादा मे में, है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो लोग यूं ही बोल देते हैं, और कुछ है जो समझ के बोलते हैं।